हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकेडमी। ओके सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स विद आवर रिचुअल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैनोमीटर्स पे होने वाला है, बहुत ही ऑसम होने वाला है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैनोमीटर्स पे होगा, क्योंकि ये जो मैनोमीटर्स वाला सेक्शन है वो हो नेट स्पीड की वजह से जब इसका सेशन था तब ये कंप्लीट नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो आज हम लोग शुरू से कंप्लीट करेंगे इसको। आज फ्लूइड काइनेटिक्स का जो लेक्चर है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, आप लोग सब जान रहे हैं। ओके तो काइनेटिक्स का जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यू है। ओके तो ये हमारा जो लेक्चर्स है ये बेसिकली थोड़ा सा रह गया था, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू अभी यहाँ पर कर रहे हैं। ओके सो गुड इवनिंग मसूद सर, वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी अपने जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हो उन सबको इनवाइट कर लीजिए। टुडे लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी ऑसम। वेलकम यू ऑल ऑन इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी एंड दिस इज शकील पठान। देखिए अगर आपने अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है सो आप लोग अभी यहाँ पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं राइट नाउ राइट। और जैसे ही आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं शकील पठान के नाम से। आपको यहाँ पर आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस। इन द डेली लाइव क्लासेस यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आंसर द पोल एंड ऑल द वाइल्ड क्लास इज गोइंग ऑन। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस कर सकते हैं, अपनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है तो क्विज आप खुद भी प्ले कर सकते हैं और आपके लिए आपके एजुकेटर भी प्ले करके दे सकते हैं। इसके साथ साथ ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म वी ऑलवेज प्रोवाइड द कोर्स इन वेरियस स्ट्रक्चर मैनर्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स करा रहे हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिलेबस बाय सिलेबस कंप्लीट कराई जा रही है। जो भी उसके लिए ज़रूरी पोर्शन है वो सब हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर कोर्स। ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर। उसके साथ साथ उसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी हम कवर करेंगे और जो हमारी DPP हैं या फिर क्वेश्चन की और सारे बहुत सारे जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं वो हम क्वेश्चन सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक टेस्ट भी हम ऑर्गेनाइज कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब है, अगर आप पूरा लेक्चर फॉलो करते हो तो आपको कहीं कोचिंग या एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके साथ साथ आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। वंस यू गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जितने भी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस है जितने भी एजुकेटर के द्वारा ली गई क्लासेस है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और कोई भी कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हो विद वन सब्सक्रिप्शन ओनली। जैसा कि आप हम जानते हो अन अकेडमी वी हैव अ टॉप एजुकेटेड टीम, तो अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग प्रेफरेंस लर्निंग कर्व जिस भी एजुकेटर का आपको बेस्ट समझ में आता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। जिस भी लैंग्वेज में आपको बेस्ट समझ में आता है उनको आप फॉलो कर सकते हो और अन अकेडमी पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं तो एक ही सब्जेक्ट को आपको अलग अलग तरह से अलग अलग वे से पढ़ने का भी मौका मिल जाता है। ठीक है तो अगर आपको कोई टॉपिक किसी पर्टिकुलर एजुकेटर का नहीं समझ में आया तो आप दूसरे एजुकेटर को भी फॉलो कर सकते हो, किसी और बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देयर इज़ वेरी फ्री विल। तो ये चीज़ ऑफलाइन में नहीं मिलती है बट ऑनलाइन में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप यहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं हो, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप उसको मल्टीपल सोर्सेज समझ सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपके पास दो तरह के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है इंडियाज बेस्ट एजुकेटेड टीम, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, उसका PDF भी आपको डाउनलोड हो जाता है। जब आप फ्री क्लासेस भी लेते हैं तो आफ्टर द 1 and 2 hours उसकी PDF आपको मिल जाती है। तो कोई भी क्लास अगर फ्री क्लास होती है तो उसका जो कोर्स है उसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस भी मिलते हैं। आइकोनिक सब्सक्रिप्शन उन स्टूडेंट के लिए जो अभी कॉलेज गोइंग है तो उनको पूरी तरह से गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड मिलता है। इसके लिए आप उसको पर्सनल कोच दिया जाता है जो कि आपको समय समय पर गाइड करता रहेगा कि किधर से पढ़ना है कैसे पढ़ना है। पर्सनल टेस्ट एनालिसिस दिया जाता है जो कि आपको ये बताएगा कि कौन से सेक्शन आपके कमज़ोर हैं, किसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये आपको फिर जिसमें मेहनत करनी है वो आप पर्सनल कोच से अपने पूछ सकते हैं कि किस टीचर का एजुकेटर का लेक्चर फॉलो करूँ कैसे फॉलो करूँ, तो वो आपको बताएगा कि किस तरह से इसको ओवरकम करना है।
इसके साथ साथ आपको स्टडी प्लानर भी यहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि आप अपने स्टडी के आवर्स को ट्रैक कर सकते हो, अपनी स्टडी को पूरी तरह से ट्रैक कर सकते हो कि भाई मैं कितने घंटे किस सब्जेक्ट को दे रहा हूँ या नहीं भी दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जिससे कि आप घर बैठे और ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मिलता है प्लस प्लान। प्लस प्लान की अगर चार्जेस की बात करें तो 12 मंथ का ये चार्ज पड़ता है 30,250 रुपीज़ में, और EMI पे पड़ेगा ये 2,521 में। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है HDFC का या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या बजाज फाइनेंस का कार्ड है, तो आप इस कोर्स को EMI ऑप्शन पर ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम आपको बात करें पठान कोड की, तो अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो पठान, तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलता है, और ये जो कोर्स है वो आपको 10% डिस्काउंट के साथ पड़ता है 27,225 रुपये ओनली। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दो स्लॉट में अवेलेबल है, 50,000 रुपीज़ और 45,000 रुपीज़। तो 2 स्लॉट में है, 24 मंथ एंड 12 मंथ। तो यहाँ पर भी अगर आप कोड अप्लाई करेंगे पठान, तो आपको यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। वेट अ सेकंड, ये थोड़ा सा कुछ आवाज़ हो रही है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक सेकंड। ओके चलिए, नाउ वी लेट स्टार्ट अवर क्लास। फ्लूड मैकेनिक्स का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्लूड मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अवर मैनोमीटर्स। तो मैनोमीटर से फ्लूड मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। ओके चलिए, सब लोग जानते हैं मैनोमीटर्स क्या होते हैं, मैंने डेफिनेशन लास्ट क्लास में ही बताया था मैनोमीटर्स क्या होते हैं या मैनोमीटरी क्या होती है, ठीक है। सो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस जनरली क्या कहलाते हैं हमारे, मैनोमीटर कहलाते हैं। मेजरमेंट डिवाइस जनरली क्या कहलाते हैं हमारे, मैनोमीटर कहलाते हैं, ठीक है। डिवाइस इज नोन एज मैनोमीटर्स, दैट इज वेरी सिंपल टू नो। द प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस इज बेसिकली नोन एज मैनोमीटर्स। अब देखिए, मैनोमीटर्स का जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या कहता है, कैसे मैनोमीटर्स आता है, मैनोमेट्री कहाँ से ड्राइव होती है। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक वाटर बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि सपोज हमारे पास एक वाटर बॉडी है, और फ्लूड यहाँ पर क्या है, स्टैटिक कंडीशन में। ये ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बट अभी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, फास्ट और मैंने पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर अगर एक फ्लूड का एलिमेंट मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ, और ये फ्लूड का एलिमेंट स्टैटिक कंडीशन में, इसका मतलब ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब तो साफ है कि इसके अंदर, इसके ऊपर लगने वाले जो टोटल फोर्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अगर फ्लूड का एलिमेंट स्टैटिक अवस्था में है, इट इज नॉट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो जो टोटल फोर्स है ऑन दिस फ्लूड एलिमेंट इट मस्ट बी जीरो। जो टोटल फोर्स होंगे ऑन दिस फ्लूड एलिमेंट इट मस्ट बी जीरो। तो बेसिकली ये हमारी फ्री सरफेस है, इसको ऐसे रिवर्स साइन से दर्शाते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि टॉप सरफेस पे सपोज हमारा प्रेशर लग रहा है पी। अब ये जो फ्लूड एलिमेंट है इसका कुछ वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेट। अगर ये फ्लूड एलिमेंट नीचे नहीं जा रहा है, तो कुछ फ्लूड जो नीचे से एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि इस फ्लूड के एलिमेंट को, वेट को और इस पर लगने वाले प्रेशर को बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर प्रेशर पी लग रहा है, मैंने यहाँ मान मान लिया यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है, पी इंटू डीपी, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ओके, इसकी यहाँ से हाइट जो है वो हमने अज्यूम के लिए क्या है, एच, दिस इज हाइट एच। ओके चलिए, तो ये प्रेशर पी हो गया, ये पी प्लस डीपी हो गया, और ये हाइट क्या आपकी एच है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करो, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की यहाँ पर बात करें, तो इस एलिमेंट पर जो फोर्स लग रहा है पी इंटू डी ए, टॉप से बॉटम लग रहा है, प्लस इस एलिमेंट का वेट भी बॉटम लग रहा है, और रिएक्शन फोर्स पी प्लस डी पी इंटू डी ए अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इन सब का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए पी डी ए और माइनस पी डी ए कट जाएगा, वेट ऑफ दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, डी पी इंटू डी ए के बराबर। वेट ऑफ दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू डी पी इंटू डी ए। देखिए ये जो एलिमेंट है इसकी हाइट को हम सपोज कितना माने, डी एच, और हमने एरिया कितना लिया, डी ए। तो यहाँ पर बेसिकली इसका वेट क्या होगा, डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डी एच इंटू डी ए।
इंटू जी, तो डी पी इंटू डी ए, तो डी ए से डी ए कट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाता है डी पी बाई डी एच, द प्रेशर चेंज विद रेस्पेक्ट टू हाइट इक्वल टू क्या होगा रोजी, रोजी को हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक वेट, रोजी इज नोन एज स्पेसिफिक वेट, तो इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट इज नोन एज स्पेसिफिक वेट एंड वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाय द स्मॉल डब्ल्यू, ओके वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय द स्मॉल डब्ल्यू, ओके। सो देखिए ये स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है हमारा, चलिए यहां तक बात समझ में आ रही है मसूद, तो dp by dh इक्वल टू क्या हो गया स्मॉल w, इसको हम लोग प्रेशर, तो यहां पर हमारा होता है तो प्रेशर चेंज विद रेस्पेक्ट टू हाइट इन द स्टैटिक फ्लूड इक्वल टू क्या होगा स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा, फ्लूड के स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा, या फिर हम बोलते हैं रो जी के बराबर होगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर प्रेशर को कम माना है नीचे ज्यादा माना है, तो इस वजह से हमारा ये जो मेजरमेंट है ऊपर से नीचे है। जनरली जब भी हम लोग कोई एक्सिस मेजर करते हैं हम हमेशा नीचे से ऊपर करते हैं, तो जब हम लोग नीचे वाले प्रेशर को पी मान लेंगे और ऊपर वाले को पी प्लस डी पी मान लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ रो जी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ रो जी हो जाएगा, दैट कंडीशन विल बी माइनस ऑफ रो जी, उस कंडीशन में ये क्या होगा आपका माइनस ऑफ रो जी होगा। तो जब भी आपसे पूछे कि डी पी बाई डी एच क्या होगा तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम में स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत बार आता है। तो dp by dh इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस ऑफ रो जी हो रहा है, तो प्रेशर चेंज विद रेस्पेक्ट टू हाइट फॉर द स्टैटिक फ्लूड विल बी इक्वल टू dp by dh माइनस ऑफ रो जी फॉर क्वेश्चन। बट अभी हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया, जो हम यहाँ एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर जो हम हाइट है वो ऊपर से नीचे नाप रहे हैं, इसलिए हम dp by dh को क्या लिखेंगे जीरो रो जी लिखेंगे। तो यहां पर हम कंसीडर करेंगे एट h इक्वल टू जीरो, मतलब फ्री सरफेस पर हम हाइट को जीरो माने, प्रेशर क्या है p इक्वल टू किसके बराबर अज्यूम कर रहे हैं p एटमोसफेयर के, नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है डोंट वरी फॉर दैट। तो यहां पर क्या होगा dp by dh इक्वल टू किसके बराबर है रो जी के बराबर, dh को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा रो जी dh। अब आप एक काम करिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पी हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपका रोजी एच, और यहां पर क्या आएगा एक कांस्टेंट आएगा, ओके। अब यहां पर आप कंडीशन रखिए, कंडीशन क्या कहती है कि जब हाइट को हम जीरो मान रहे हैं, जब डेप्थ हमारा जीरो है, तब हमारा कौन सा प्रेशर होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब हम कहां पर हैं फ्री सरफेस पर, तो एट एच इक्वल टू जीरो व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड इज जीरो देन पी इक्वल टू किसके बराबर है पी एटमोस्फेयर के बराबर। तो यहां पर अगर हम रख दें तो P एटमोसफेयर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा रो जी एच, यहां पर ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो प्लस, तो सी द कांस्टेंट की जो वैल्यू है किसके बराबर आती है P एटमोसफेयर के बराबर आती है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या होती है P इक्वल टू रो जी एच प्लस P एटमोसफेयर, अब इसको माइनस कर दीजिए तो P माइनस P एटमोसफेयर इक्वल टू किसके बराबर होगा रो जी एच के बराबर होगा। अब दिस पी माइनस पी एटमोसफेयर को एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर, विच इज द प्रेशर अबव दैन एटमोसफेयर, तो दिस इज नोन एज गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज नोन एज रो जी एच। तो पहली बात रखिए कि रो जी एच इज अ गेज प्रेशर। अब यहां पर एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि यहां पर हमने डेंसिटी को बाहर निकाला, इसका मतलब यहां पर एक अजम्पशन हम ले रहे हैं, वो अजम्पशन ये है कि हम फ्लूड को क्या मान रहे हैं अजम्पशन वी अज्यूम फ्लूड एज इनकम्प्रेसिबल। तो जब आप इनकम्प्रेसिबल मानते हो इसका मतलब डेंसिटी को जब कांस्टेंट मानते हो तभी यहां पर इंटीग्रेशन से डेंसिटी बाहर आएगी, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस पी इक्वल टू क्या होगा गेज प्रेशर विल बी इक्वल टू रोजी एच। तो ये हमेशा आप नहीं लिख सकते, ये कब लिखते हो जब आप ये अज्यूम कर रहे हो कि डेंसिटी क्या है कांस्टेंट है, तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी देन यू कैन नॉट राइट दिस एक्सप्रेशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस एक्सप्रेशन से एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात निकल के आती है कि अगर हम एच को, क्योंकि रो जी
डेंसिटी ऑफ द फ्लूड कांस्टेंट है, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सचेंज है जनरली कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर में हम रो जी कर दें तो ये जो यूनिट है प्रेशर की वो किस में बदल जाएगी, मीटर में बदल जाएगी। तो इसलिए पी बाय रो जी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रेशर हेड। तो पी बाय रो जी इज नोन एज प्रेशर हेड एयर, ठीक है, समटाइम नोन एज प्रेशर हेड। तो पी बाय रो जी रंजीत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हो बेटा, गुड इवनिंग हो रहा है, गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हो? ओके चलिए रंजीत, तो बेसिकली वी कैन राइट हाइट एच इक्वल टू प्रेशर हाइट। तो इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि व्हेन वी कैन मेजर द हाइट ऑफ फ्लूड कॉलम बिकॉज दिस क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट। तो हाइट ऑफ फ्लूड कॉलम में अगर इस क्वांटिटी को, जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, को मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली प्रेशर आ जाएगा। तो आप केवल हाँ हाइट ऑफ फ्लूड कॉलम को मेजर करके आप यहाँ पर प्रेशर मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के थ्रू हम जो भी डिवाइस बनाते हैं उनको मैनोमेट्रिक डिवाइस कहते हैं। जितने भी डिवाइस हैं जो कि हाइट ऑफ फ्लूड कॉलम को मेजर करके प्रेशर मेजर करते हैं, दैट डिवाइस इज बेसिकली नोन एज मैनोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है, दैट डिवाइस इज बेसिकली नोन एज मैनोमेट्रिक डिवाइस। और वो डिवाइस जिस कंसेप्ट पर वर्क करते हैं उस कंसेप्ट को कहते हैं मैनोमेट्री कंसेप्ट। ओके तो यहां पर आप देख सकते हो कि विद द हाइट ऑफ फ्लूड कॉलम यू कैन मेजर द प्रेशर, दैट इज नोन एज मैनोमेट्रिक डिवाइस। ओके इसको बनाने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट। ओके इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम में आएगा नहीं। उसके बाद जो पहला इक्विपमेंट बनाया गया, जो मैनोमीटर पर पहला इक्विपमेंट बनाया गया, दैट इज पीजोमीटर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। ये जो पीजोमीटर है ये डेवलप किया गया था डेनियल बर्नौली। अब डेनियल बर्नौली जो है, ये बर्नौली जो है ये पूरी फैमिली है, इनके चाचा मामा सब लोग क्या है मैथमेटिशियन थे, इनके पापा मैथमेटिशियन थे, इनके घर में बहुत सारे लोग मैथमेटिशियन थे। तो जब बर्नौली, बर्नौली पूरी फैमिली है, सब लोग इनका सरनेम है बर्नौली, तो बेसिकली बहुत सारे बर्नौलीज आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, मैथमेटिशियन की पूरी फैमिली है। तो इनके घर में सारे लोग मैथमेटिशियन होते हैं। अब होता क्या है कि जब डेनियल बर्नौली का जन्म होता है तो ये डिसाइड किया जाता है सबके मिलके कि बहुत सारे लोग मैथमेटिशियन हो गए, अब डेनियल बर्नौली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा, ये मेडिकल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जब ये डिसाइड किया जाता है तो इनको मेडिकल पढ़ने भेजा जाता है फ्रांस, जहाँ पर इनके पिताजी के दोस्त रहते थे आयलर, उनके साथ ये मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं, स्टूडेंट थे बेसिकली आयलर उनके, तो उनके साथ ये मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं। वहाँ पर एक कॉलेज है, कॉलेज में, और वहां पर ये एक इक्विपमेंट डेवलप करते हैं टू मेजर द ब्लड प्रेशर। अब आपको बड़ा फनी लगेगा कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते थे उस समय। तो ये जो पीजोमीटर था उस समय यूज किया जाता था टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए क्या करते थे, जो नस है उसको अंदर थोड़ा सा कट लगा के, जो एक ट्यूब थी, जो नलची होती थी, उसको डालते थे और देखते थे जितना हाइट तक ब्लड चढ़ा वही उसका ब्लड प्रेशर है। ज्यादा हाइट तक ब्लड चढ़ गया तो मतलब ज्यादा ब्लड प्रेशर है। तो ये बड़ा फनी सा इंस्ट्रूमेंट था उस समय ब्लड प्रेशर को मेजर करने का। तो इसीलिए इसका जो नाम है पीजोमीटर, ये कुछ मेडिकल टर्म है, ये कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी ट्यूब होती है। इनिशियल में इसको आपकी जो बॉडी का ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए काम में लिया गया था, ठीक है। तो आपकी जो नसें हैं उनको काट के उसमें से छोटी एक ट्यूब डाली जाती थी और ऐसे देखा जाता था भाई कितना हाइट तक ब्लड चढ़ गया, जितना हाइट तक ब्लड चढ़ गया उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर। सो उस समय ब्लड प्रेशर मेजर करना एक सर्जिकल ऑपरेशन हुआ करता था। तो दैट वॉज अ डिवाइस विच इज यूज फर्स्ट टू यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर थ्रू द हेल्प ऑफ मैनोमेट्रिक कंसेप्ट। तो ये वो डिवाइस था जो पहले यूज हुआ टू मेजर द ब्लड मैनोमेट्रिक कंसेप्ट। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ ट्यूब, इट्स जस्ट अ ट्यूब विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड, इट्स जस्ट अ ट्यूब विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से ये ट्यूब जो होती है ओपन होती है। और जहाँ पर हमें प्रेशर मेजर करना हो, जिस फ्लूड का हमें प्रेशर मेजर करना, एक सिरा हम उसको उस फ्लूड के अंदर डिप करते हैं और दूसरा सिरा एटमोस्फेयर में ओपन होता है। सपोज ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन को मैं सामने से देख रहा हूँ तो ऐसे सर्कुलर सेक्शन दिखाई देगा। तो पाइपलाइन में जब हम एक पीजोमीटर डालेंगे तो बिकॉज ऑफ प्रेशर इन द पाइपलाइन या फ्लूड, द हाइट ऑफ फ्लूड कॉलम राइज इन द पीजोमीटर। तो इस हाइट को मेजर करके हम इस पाइप के अंदर कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब द प्रेशर विच इज मोर देन एटमोस्फियर। तो इस हाइट को मेजर करके वी आर गोइंग टू मेजर द गेज प्रेशर इन द पाइपलाइन। ओके सो दिस डिवाइस इज बेसिकली नोन एज पीजोमीटर। सो दिस डिवाइस वाज द पीजोमीटर, तो इसी को बोलते हैं पीजोमीटर।
इट्स वेरी सिंपल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड. इट इज अ ट्यूब ओपन फ्रॉम बोथ एंड, ओपन फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम बोथ एंड. तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट. तो यहां पर हम इस तरह से पीजोमीटर मेजर करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली पीजोमीटर आर यूज टू मेजर द. अब भाई बात क्या है, अब इसके कुछ लिमिटेशन, ये तो बहुत सिंपल सा इक्विपमेंट हो गया, ठीक है. इसमें तो कोई कॉस्ट लगेगी भी नहीं, डायरेक्टली आप प्रेशर मेजर कर सकते हो. लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है. पहला लिमिटेशन ये है कि पीजोमीटर से बहुत हाई या थोड़ा भी हाई प्रेशर आप मेजर नहीं कर सकते. सपोज आपके पास एक वाटर पाइपलाइन है जिसके अंदर मात्र एक बार समझते हो ना आप, एटमोस्फेरिक प्रेशर है 1 × 10⁵ पास्कल प्रेशर है. इतना ही प्रेशर हमारे एटमोस्फेयर में होता है जिसके अंदर हम मूव कर रहे हैं, आसपास हाथ हिला रहे हो, मूव कर रहे हो आराम से, इतना प्रेशर तुम्हारे पर 24×7 लगता है, दैट इज 1 bar. इतना प्रेशर अगर आपको पाइपलाइन में है, विच इज मोर देन एटमोस्फेयर समथिंग, इतना गेज प्रेशर सपोज आपको पाइपलाइन में, और अगर आप वहां पर एक पीजोमीटर ट्यूब यूज कर रहे हो, तो कितना हाइट होगा पीजोमीटर का. देखिए पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 जी, कितना अज्यूम कर लीजिए 10. तो इसका मतलब यहां पर आपको जो पीजोमेट्रिक ट्यूब लेनी पड़ेगी वो 10 मीटर की लेनी पड़ेगी. 10 मीटर की पीजोमेट्रिक ट्यूब आपको लेनी पड़ेगी टू मेजर द ओनली 1 bar गेज प्रेशर. केवल 1 bar गेज प्रेशर मेजर करने के लिए आपको 10 मीटर की पीजोमेट्रिक ट्यूब चाहिए. अब 10 मीटर की पीजोमेट्रिक ट्यूब का मतलब आप समझ रहे हो, आप जिस रूम में बैठे हो 2.5 मीटर की हाइट है, तो 10 मीटर का मतलब है 5 मंजिल के बराबर की हाइट, ठीक है. दो ऑलमोस्ट 4 से 4.5 मंजिल की इमारत के बराबर. अब इतनी लंबी ट्यूब तुम लगाओगे कहां पर, और लगा लिया तो उसकी रीडिंग कैसे देखो. तो बेसिकली द पीजोमेट्रिक ट्यूब टू मेजर द प्रेशर एट, थोड़ा सा ही ज्यादा प्रेशर अगर आप मेजर करते हो तो इट्स नॉट सूटेबल, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर केस द लेंथ ऑफ द पीजोमेट्रिक ट्यूब विल बी वेरी वेरी हाई. तो लेंथ ऑफ द पीजोमेट्रिक ट्यूब कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको लगाना ही इम्पॉसिबल. दो दिस इज वेरी सिंपल डिवाइस, वेरी cheapest device, but you cannot use it because this much of height you cannot achieve it. Okay, so this is the main problem with the piezometer. Okay, so पहली problem ये है कि piezometer से आप बहुत high pressure measure नहीं कर सकते. तो पहला point हम यहाँ पर डालेंगे, the piezometer are used to find out the moderate or low mercury pressure. ठीक है, so piezometer आर यूज टू फाइंड आउट मॉडरेट लिक्विड प्रेशर. ओके, बिकॉज इन केस ऑफ लार्ज लिक्विड प्रेशर पीजोमेट्रिक ट्यूब हाइट या पीजोमेट्रिक ट्यूब लेंथ या पीजोमेट्रिक ट्यूब विल बी वेरी लॉन्ग which is difficult to handle. So first problem with us is this. Second problem यहां पर आपको ये देखने को मिलती है कि पीजोमीटर से केवल और केवल आप लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हो, क्योंकि अगर इस पाइपलाइन में गुड नाइट ओके, समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको, समझ में नहीं आ रहा रंजीत? ओके, समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा? सो नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर मान लीजिए यहां पर एयर भरी होती है, यहां पर एयर भरी है पाइप में, तो क्या होगा अगर आप यहां पर होल करोगे तो सारी एयर यहां से निकल जाएगी. सो सेकंड पॉइंट इज दैट वी कैन ओनली यूज पीजोमीटर टू मेजर लिक्विड प्रेशर.
एयर के प्रेशर को ये मेजर नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि एयर के प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएगा। एयर के पाइपलाइन में अगर एयर भरी है और आपने वहां पर होल कर दिया तो उस ट्यूब से ही आपकी पूरी एयर निकल जाएगी, बिकॉज एयर या गैस कैन इज नॉट फॉर्मिंग अ फ्री सरफेस। गैस जो है वो फ्री सरफेस फॉर्म ही नहीं करती, सो यहाँ पर पीजोमीटर उस केस में यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो एंड थर्ड इज बेसिकली, अगर आपने यहाँ पर पीजोमेट्रिक ट्यूब की डायमीटर को स्मॉल लिया, इफ यू टेक अ डायमीटर ऑफ द पीजोमेट्रिक ट्यूब इज स्मॉल, ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिलरी राइज का फिनोमेना होने लगता है। इन दिस केस कैपिलरी राइज का फिनोमेना यहां पर होने लगता है। तो इन ऑर्डर टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ कैपिलेटिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब मस्ट बी लार्ज, ओके, दैट इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से कम ज्यादा होनी चाहिए, तो हम लोग यहां पर फिर कैपिलरी राइज का फिनोमेना नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कैपिलरी राइज के अंदर या कैपिलरी फिनोमेना में हमें देखने हैं। अब इस जो डिसएडवांटेज है पीजोमीटर का, इसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया, मैनोमीटर बनाया, सॉरी यू टू मैनोमीटर से बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर जो यू टू मैनोमीटर से, ये यू-ट्यूब मैनोमीटर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल यू-ट्यूब मैनोमीटर, और एक होता है हमारा डिफरेंशियल यू-ट्यूब मैनोमीटर, ओके। तो सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यह प्रेशर मेजर करता है, ठीक है, मेजर प्रेशर एट पॉइंट, एक पॉइंट पर प्रेशर को मेजर करता है, जबकि डिफरेंशियल यू ट्यूब मेजरमेंट क्या करता है, दो अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है, जैसे कि नाम ही आपका सजेस्ट कर रहा है, मेजर प्रेशर डिफरेंस, मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, सो इट्स मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो दिस इज फॉर यू ट्यूब मैनोमीटर्स, ये हमारा आता है यू ट्यूब मैनोमीटर्स के बारे में, ओके। अब देखिए YouTube मैनोमीटर्स का डिजाइन कैसे होता है सब लोग जानते हैं, हेलो अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, हेलो अरे क्लास थी मेरी, हेलो नहीं, आधा घंटे में, हाँ ठीक, तो देखिए यूट्यूब मैनोमीटर्स की अगर हम बात करें, तो देखिए यूट्यूब मैनोमीटर्स हमारे पास कैसे होता है, देखो आप लोग सब जानते होंगे कि एक पाइपलाइन है सपोज, तो उस पाइपलाइन में हम एक होल करके इसको इस तरह से लगा देंगे, ठीक तो दिस इज यू ट्यूब मैनोमीटर है ना,
चलिए तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा YouTube मैनोमीटर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक पाइपलाइन में इसको लगाया जाता है। ठीक है, इस पाइपलाइन में इसको हम लगा रहे हैं तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, जो फ्लूड इस पाइपलाइन में बह रहा है वो हमारा फिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा वो फ्लूड फिल हो जाएगा जो इस पाइपलाइन में बह रहा है। उसके बाद ये वाला फ्लूड होता है, इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूड, इसको हम कहते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूड, दिस इज आवर नोन एज मैनोमेट्रिक फ्लूड। यहाँ पर हमारा कौन सा फ्लूड भरा होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूड भरा होता है। ठीक है, सो बेसिकली जब हम इस ट्यूब को या इस यू ट्यूब को जब इस पाइपलाइन से जोड़ते हैं तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूड इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे पहले मैनोमेट्रिक फ्लूड का जो लेवल रहा होगा वो दोनों लिंब में सेम रहा होगा, तो इसको बोलेंगे हम इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल। तो जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो इनिशियल लेवल से इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है और इस डिफ्लेक्शन को हम कहते हैं एक्स। तो ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से एक्स डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और यहां से जो इस पाइप के सेंटर लाइन से डिस्टेंस है इसकी, इसको कहते हैं हम लोग सपोज वाई कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लिखते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन, मैनोमेट्रिक इक्वेशन हम यहां पर लिख रहे हैं, मैनोमेट्रिक इक्वेशन। तो यहां पर हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ये पी है। अब अगर आप नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो पी, अब यहां की डेंसिटी आपने मान ली रो है और इसकी डेंसिटी आपकी क्या है, रो एम है। तो नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है, तो इसलिए साइन प्लस का। अब आप जिस फ्लूड में नीचे जा रहे हो उसकी डेंसिटी जी, और जितना हाइट नीचे जाओगे, लेकिन कहाँ तक नीचे जाओगे, जब तक आपको दूसरा फ्लूड ना मिल जाए। जैसे ही आपको दूसरा फ्लूड मिलेगा वैसे आप नीचे जाना आप बंद कर दोगे। तो यहाँ पर दूसरा फ्लूड कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पर। तो बेसिकली आप वाई प्लस एक्स डिस्टेंस नीचे जाओगे। अब अगर आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ से एक लाइन खींचिए। अब यहाँ देखिए इस लाइन के नीचे दोनों तरफ फ्लूड सेम है, तो अगर फ्लूड सेम है तो इस लाइन पर जो प्रेशर होगा सेम होगा, इसलिए आप डायरेक्टली यहां से यहां जंप कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज जंपिंग ऑफ फ्लूड टेक्निक। तो आप डायरेक्टली यहां से यहां पर जंप कर जाइए, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि जितना आप यहां पर प्रेशर प्लस करोगे उतना ही आप वापस से माइनस करोगे, इसलिए ये दो पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जब यहां से आप ऊपर और जाओगे तो साइन क्या आना चाहिए, माइनस का, क्योंकि ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है, यहां पर साइन क्या आएगा, माइनस का। अब जिस फ्लूड में ऊपर जा रहे हो उसकी डेंसिटी जी, और जितनी हाइट तक नीचे जाओगे ऊपर जाओगे दैट इज एक्स। इसके बाद आपको यहां पर दूसरा फ्लूड नहीं दिखाई देगा, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर यहां पर दिखाई दे उसको इक्वल करके लिख दीजिए, तो दिस इज नोन एज मैनोमेट्रिक इक्वेशन। तो यहां पर क्या हुआ, पी नीचे गए तो साइन प्लस का, रो जी जिस फ्लूड में नीचे गए तो रो जी, और कितनी हाइट तक नीचे गए, जब तक दूसरा फ्लूड ना मिल गया। उसके बाद जब लाइन के नीचे फ्लूड सेम है तो फिर यहां से ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे तो साइन माइनस का आएगा, डेंसिटी किसकी आएगी, मैनोमेट्रिक फ्लूड की, जी इंटू एक्स, और यहां पर जो प्रेशर आपको दिखाई देगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसको आप डायरेक्टली लिख दोगे। तो दिस इज द मैनोमेट्रिक इक्वेशन। इस तरह से हम यहां पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं, इस तरह से हम यहां पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। तो दिस वॉज अ मैनोमेट्रिक इक्वेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर हम डिफरेंशियल यूट्यूब के लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास यहां पर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर्स हैं तो उसके लिए आप मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो पहली कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि दोनों जो पाइपलाइन है उनका लेवल बिल्कुल अलग अलग है, फिर स्पेशल केस बताएंगे। पाइपलाइन का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग अलग है, एक पाइपलाइन ऊपर है और एक पाइपलाइन नीचे है। उसके बाद स्पेशल केस बताएंगे जो जनरली यूज होता है। यहाँ पर बेसिकली दोनों पाइपलाइन का लेवल अलग अलग है, तो मान लीजिए इनका लेवल डिफरेंस जेड है। इनमें प्रेशर मेजर करने के लिए हम इनके बीच में क्या लगा रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर हम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। तो इन दोनों पाइपलाइन के बीच में हम डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर लगा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इनके लिए इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा यहां पर, ओके सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर हमने दो पाइपलाइन के बीच में डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर लगाया। अब क्या होगा, दोनों पाइपलाइन में अलग अलग फ्लूड है, तो
बेसिकली इनिशियल लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड का ये हो सकता है, इनिशियल लेवल में दोनों लिम में मैनोमेट्रिक फ्लूइड सेम था, बट जैसे ही हमारा हमने इस यूट्यूब मैनोमीटर को दोनों पाइपलाइन से कनेक्ट किया, हेलो हेलो प्रभु, जैसे हमने इन दो मैनोमीटर को दोनों पाइपलाइन से कनेक्ट किया तो होगा क्या, जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब हो सकता है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो आपको इस वाले लिम में ऐसे चढ़ जाए और इधर वाले लिम में ड्रॉप हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लिम है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब तो यही है, लाइक दिस, इस तरह की अगर कंडीशन बन रही है तो दिस इज अवर इनिशियल लेवल। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहां पर क्या होगा, आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो नीचे तक जा रहा है और इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो ऊपर है, सॉरी फ्लूइड है वो इसके ऊपर है। यहां पर जो फ्लूइड भरा है वो सपोज उसकी डेंसिटी रो वन है, यहां पर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा है उसकी डेंसिटी रो वन, यहां पर जो भरा है रो टू है। अब देखिए यहां से यहां तक जो आपका फ्लूइड डिफ्लेक्ट हुआ उस डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो यहां पर आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, दिस इज द डिफ्लेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन है दिस इज नोन एज एक्स, और बची हुई ये हाइट है इसको हम लोग क्या कह देंगे, वाई। ओके अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। सपोज इस वाले पाइप में प्रेशर पी वन है और इस वाले पाइप में प्रेशर क्या है, पी टू है। नाउ फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट अ मैनोमेट्रिक इक्वेशन, फिर इसके बाद हम स्पेशल केस में देखते हैं। तो देखिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए किसी भी एक लिम से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैंने लेफ्ट लिम से राइट लिम से स्टार्ट किया, आप लेफ्ट से भी कर सकते हो। तो लेफ्ट लिम में आपका प्रेशर कितना है, यहाँ पर पाइप में प्रेशर कितना है, पी वन। अब आप यहाँ से नीचे चलेंगे, नीचे चलेंगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, और आप कब तक नीचे आएंगे, जब तक कि आपको दूसरा फ्लूड ना दिखाई दे। तो दूसरा फ्लूड आपको कहाँ पर दिखाई देगा, इस लेवल पर दिखाई देगा, इसके बाद मैनोमेट्रिक फ्लूड स्टार्ट हो जाता है। तो आप जिस फ्लूड में नीचे आ रहे हैं, पहले तो साइन यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं, दूसरा आप जिस फ्लूड में नीचे आ रहे हैं उसकी डेंसिटी दैट इज रो वन जी, और कब तक नीचे आएंगे, जब तक दूसरा फ्लूड नहीं दिखाई दे। तो जेड प्लस वाई प्लस एक्स के बाद दूसरा फ्लूड दैट इज मैनोमेट्रिक फ्लूड स्टार्ट होगा, तो यहां पर जेड प्लस वाई प्लस एक्स डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहां पर जैसे आए तो इस एक लाइन यहां पर खींचे, इस लाइन के नीचे दोनों तरफ दोनों लिम में फ्लूड का लेवल या फ्लूड जो है वो सेम है, तो जितना प्रेशर प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, इसलिए इस लाइन पर क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। तो यहां पर और यहां पर प्रेशर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो अब यहां से डायरेक्टली यहां जंप कर जाइए, और यहां से जब ऊपर जाएंगे तो साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा यहां पर, तो यहां पर साइन आएगा नेगेटिव, और जिस फ्लूड में ऊपर जा रहे हैं उसकी डेंसिटी, तो आप किस फ्लूड में ऊपर जा रहे हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूड में, तो मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी जी, और कब तक ऊपर जाएंगे, जब तक दूसरा फ्लूड ना मिल जाए। तो दूसरा फ्लूड हमें कब मिलेगा मुन्ना, यहां पर इस पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस बार, तो इतनी हाइट को यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद फिर और ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो फिर अगेन साइन यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव का। किस फ्लूड में ऊपर जाओगे, क्योंकि अब यहां पर फ्लूड चेंज हो गया, तो यहां पर जो फ्लूड होगा उसकी डेंसिटी रो टू है जी, और कब तक ऊपर जाएंगे, जब तक दूसरा प्रेशर दिखाई ना दे, वाई यहां पर वाई हाइट के बाद हमारे पास दूसरे पाइपलाइन आ जाता है, तो उसके प्रेशर को हम यहां पर डायरेक्टली लिख देंगे। तो दिस विल बी योर मैनोमेट्रिक इक्वेशन इन केस ऑफ जनरल डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, तो ये हमारी मैनोमेट्रिक इक्वेशन होगी फॉर जनरल डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने कोई भी अजम्पशन यहाँ पर नहीं माना, पाइप का लेवल भी अलग अलग है, दोनों पाइप में फ्लूड भी अलग अलग है, मैनोमेट्रिक फ्लूड भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट अ दिस रिलेशन। ओके तो आपको ये रिलेशन यहां पर मिल जाता है। अब यहां पर एक अजम्पशन होता है, जो अजम्पशन आने के बाद आपकी जो इक्वेशन है थोड़ी सी ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, और 90% केस में गेट एग्जाम में या बाकी एग्जामों में ये चीज बहुत बार पूछी गई है। अगर यहां पर दोनों पाइप में दोनों पाइप का जो लेवल है वो सेम हो जाए, दोनों पाइपलाइन का जो लेवल है वो सेम हो जाए, और दोनों ही पाइपलाइन में जो फ्लूड फ्लो कर रहा है वो सेम है, दोनों पाइपलाइन में अगेन लेवल सेम हो गया और दोनों पाइपलाइन में यहां पर जो फ्लूड फ्लो कर रहा है वो सेम है, का मतलब तो अजम्पशन है हमारा, दैट वाज अ अजम्पशन
जो अजम्पशन बन रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों पाइप में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लूड जो है वो सेम है और दोनों पाइपलाइन का लेवल भी यहाँ पर क्या है सेम है, और यहाँ पर मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है मात्र एक्स, एंड इन द बोथ लिम द फ्लूड इज सेम। इन बोथ लिम फ्लूड हैविंग डेंसिटी रो, हैविंग डेंसिटी, इट हैविंग प्रेशर पी वन, इट हैजिंग प्रेशर पी। एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस वो और कुछ आपको नहीं देगा, तो यहां पर हमारा अजम्पशन क्या है, जेड इक्वल टू जीरो एंड रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू रो। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन दिख रही है उसके अंदर ये हमने अजम्पशन रखा, यहां पर हम क्या करेंगे जेड को तो जीरो कर देंगे। अब यहां पर रो वन और रो टू क्या है बराबर है, तो जब रो वन रो टू बराबर है तो इस इक्वेशन वापस लिखेंगे और फिर जो चीजें बराबर हैं उसको हम काट देंगे। तो यहां होगा पी वन प्लस रो, रो वन की जगह क्या हो जाएगा रो जी, और यहां पर क्या हो रहा है जेड जीरो कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स प्लस वाई। उसके साथ साथ यहां पर क्या होगा माइनस का रो एम जी एक्स, और यहां पर क्या हो रहा है आपका रो टू और रो क्या है सेम है, तो यहां पर भी आपका रो जी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टू। तो देखिए रो जी वाई से रो जी वाई एक बार कट जाएगा क्योंकि रो जी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का रो जी वाई आ जाएगा। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी रो जी एक्स माइनस रो एम जी एक्स इक्वल टू पी टू। सो अब देखिए प्रेशर डिफरेंस निकालना था तो पी वन माइनस पी टू क्या हो जाएगा, पी वन माइनस पी टू हो जाएगा तुम्हारा, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा रो एम जी एक्स, ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा एक्स, और जी एक्स यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए। तो पी वन माइनस पी टू इक्वल टू, अगर यहाँ पर जी एक्स कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा रो एम माइनस रो। अब इस प्रेशर डिफरेंस को अगर हम हेड के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो इस प्रेशर डिफरेंस को अगर हम हेड के टर्म में लिखना चाहते हैं तो इसमें रो जी से अपॉन कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा जी एक्स और यहां पर है रो एम माइनस रो, तो इसमें हम क्या करेंगे रो जी से अपॉन कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए जी से जी चला जाएगा और ये जो पूरी इक्वेशन है पी वन माइनस पी टू बाई रो जी ये बन जाएगी तुम्हारी एक्स ऑफ रो एम अपॉन रो माइनस वन, दैट इज वेरी सिंपल। और इसको कहेंगे प्रेशर हेड डिफरेंस, तो प्रेशर हेड डिफरेंस इन दिस पाइपलाइन विल बी एक्स, दैट इज मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन रो एम अपॉन रो माइनस वन। डायरेक्टली ये फॉर्मूला हो जाता है, हजारों बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, हजारों बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, ये फॉर्मूला हम प्रेशर हेड डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कब लगाते हैं, जब अगर हमारी पाइपलाइन के अंदर फ्लूड दोनों पाइपलाइन के अंदर फ्लूड सेम बह रहा है और दोनों पाइपलाइन का लेवल सेम है। उन इस दैट पर्टिकुलर केस आपको यहां पर वाई लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक्स पता है द डिफ्लेक्शन ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड आपको पता है, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द प्रेशर हेड डिफरेंस इन द टू पाइपलाइन। अब ये जो जनरल केस होता है ये कहां पर आता है, ये जनरल केस आता है हमारे पास वेंचुरीमीटर के अंदर। अगर आप वेंचुरी मीटर में देखें तो वेंचुरी मीटर में जब हम यूट्यूब मैनोमीटर लगाते हैं या फिर हम पिटोट ट्यूब में यूट्यूब मैनोमीटर लगाते हैं तो बेसिकली यही तो केस बनता है। अगर आप वेंचुरी मीटर में ये लगा रहे हो या फिर आप पिटोट ट्यूब में लगा रहे हो तो बेसिकली केस यही बनता है, क्योंकि तो आप देखिएगा कि जब आप वेंचुरी मीटर में लगाते हो यूट्यूब मैनोमीटर तो बेसिकली यहां पर जो तो दोनों पॉइंट है जहां पर आप प्रेशर मेजर कर रहे हो वो उनका जो जेड लेवल है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या हाइट है वर्टिकल हाइट है वो सेम है, तो मतलब दोनों का लेवल सेम है यहां पर। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, इन दैट पर्टिकुलर केस इन दैट पर्टिकुलर केस वेन यू आर गोइंग टू मेजर द प्रेशर एट डिफरेंस, इस कंडीशन में क्या होता है जब आप इन दोनों पॉइंट के बीच में डेल्टा एच निकालना चाहते हो वेंचुरी मीटर में, तो डायरेक्टली डेल्टा एच क्या हो जाता है तुम्हारा, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं एक मैनोमीटर लगाते हैं,
और यहां पर हम लोग जो मैनोमीटर फ्लूइड है उसका डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। और दिस इज योर वेंचुरीमीटर। तो इन आवर वेंचुरीमीटर क्या होता है, इफ यू नो द एक्स दिस इज वन एंड दिस इज टू, इफ यू नो द एक्स, अगर आपको एक्स डायरेक्टली पता है तो आप यहां से डायरेक्टली इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर हेड डिफरेंस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट मैनोमेट्रिक फ्लूइड माइनस रो अपॉन रो। मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या है, यहाँ पर जो फ्लूइड हमने मैनोमीटर में भरा है, और रो क्या है, जो फ्लूइड इस पेंचुरीमीटर में फ्लो कर रहा है। तो ये जो केस बन रहा है ये उस इन कंडीशन के लिए वैलिड होता है और डायरेक्टली इससे रिजल्ट आ जाते हैं। ओके, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, उल्टा भी लगा दें, जैसे इनवर्ट यू टू मैनोमीटर लगा दिया आपने। अगर आपने इसको उल्टा करके लगाया होता, यहाँ पर इन्वर्टेड लगाया होता, इन्वर्टेड यू टू मैनोमीटर, तो भी क्या होता, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई बार उल्टा करके भी लगा देते हैं ना, इन्वर्टेड कर देते हैं दिस पर्टिकुलर केस ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड यू टू। तो इसमें भी आपको ये पॉइंट पॉइंट होगा, ये टू पॉइंट होगा। तो यहां पर जो प्रेशर है डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना होता है। सो यहां पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा एच, लेकिन यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है कि वन माइनस रो एम अपॉन रो माइनस वन, क्योंकि यहां जो मैनोमेट्रिक फ्लूड भरा होता है इसकी डेंसिटी जो होती है वो फ्लोइंग फ्लूड से कम होती है, क्योंकि अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो पाइपलाइन के अंदर बह चला जाएगा और वो पाइप के या फ्लूड के साथ ही बह जाएगा, क्योंकि अगर वो फ्लूड जो फ्लो कर रहा है उससे भारी होगा वो अंदर बैठ जाएगा और पाइपलाइन के साथ चला जाएगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमार देखो, तो पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये जो डेंसिटी होती है, जो ये रेशियो होता है, ये उल्टा हो जाता है, बस इतना सा फर्क यहाँ पर आपको पड़ेगा। तो ये केस होता है। तो आप पिटोट ट्यूब देख लीजिए या फिर आप वेंचुरीमीटर देख लीजिए, सब केस में यही कंडीशन आपकी लगने वाली है, सभी केस में आपकी यही कंडीशन लगेगी। ठीक, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, द मैनोमीटर में हम इसको कैसे यूज करते हैं और बाकी चीजों में हम इसको कैसे यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो? चलिए अब लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे तीन क्वेश्चन पहले यहां लिख देते हैं, एक क्वेश्चन करना आप आंसर देना। तो क्वेश्चन है थ्री इमिसिबल फ्लूड, ये सब लोग कराते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थ्री इमिसिबल फ्लूड ऑफ डेंसिटी रो टू रो एंड थ्री रो आर कैप्ट इन अ जार। एक जार में तीन फ्लूड का रखा जाता है, इन अ जार, कैप्ट इन अ जार, एंड द पीजोमीटर, पीजोमीटर फिटेड टू द बॉटम ऑफ द जार, जार इज शोन इन फिगर, फाइंड कैपिटल एच बाई स्मॉल। ये आपको पता करना है। तो देखिए मैं इसका डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर एक जार है, बड़ा जार है, उसके बॉटम पर हमने क्यू टू मैनोमीटर लगाया, या अभी तुम्हें मैं एक चीज लिखा देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड का क्या होना चाहिए। इरफान खान, वेरी गुड बेटा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड। ओके, तो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, बस ये क्वेश्चन मैं डायग्राम बना दूँ। यहाँ पर तीन फ्लूड भरे हुए हैं, एक की डेंसिटी रो है, दूसरे की डेंसिटी टू रो है, और तीसरे की डेंसिटी थ्री हो है। तीन अलग अलग फ्लूड भरे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तीनों को अलग अलग कलर से हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं। तो एक में डेंसिटी क्या है, रो, एक में है टू रो, और ये नीचे वाला फ्लूड क्या है, थ्री रो डेंसिटी। इस वाले फ्लूड की जो हाइट है वो है आपका थ्री एच, थ्री स्मॉल एच,
यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड है इसकी हाइट है आपकी 1.5 स्मॉल एच, यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड है आपकी दिस इज द हाइट स्मॉल एच, और यहाँ पर आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड में आपका क्या भर जाता है, दिस इज द लेवल। ये आपका हो जाता है 3H। तो आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल एच बाई स्मॉल एच कितना होगा। ये वाला भी हिस्सा जो है एटमोस्फेयर में ओपन है और जो पीजोमीटर का हिस्सा है वो तो एटमोस्फेयर में ओपन है ही सही। तो इसका आपको पूछ रहा है क्या होगा, अलग अलग डेंसिटी है सो मैं अलग अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एनीबडी कैन आंसर द क्वेश्चन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तब तक मैं आपको मैनोमेट्रिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ इरफान। अगर हम कोई चीज़ को मैनोमेट्रिक फ्लूइड सेलेक्ट करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेट्स राइट डाउन इट। उसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए उसको हम लिख लेते हैं, ठीक। और मैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को मैनोमेट्रिक फ्लूइड ले रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर। अब आप पूछोगे सर लो वेपर प्रेशर क्यों होता है। देखिए, लो वेपर प्रेशर इसलिए होता है कि सपोज हमने एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड लिया, ठीक है, विच वांट टू मेजर, वी वांट टू मेजर द गैस प्रेशर। ओके, एक गैस का प्रेशर हम मेजर करना चाह रहे थे, एक गैस पाइपलाइन में हमारा प्रेशर मेजर हो रहा था, ठीक है। अब यहां पर दोनों पाइपलाइन में क्या बह रही है, गैस बह रही है, क्या बह रही है, गैस बह रही है। हमने यहां पर क्या भर दिया, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा। यहां पर गैस वन है और यहां पर गैस सेकंड है। हम ये चाह रहे थे इन दोनों जो पाइपलाइन है इसके अंदर जो गैस फ्लो कर रही है इनका प्रेशर डिफरेंस हम निकालना चाह रहे हैं। अब हमारा ऐसा फ्लूड है जिसका हाई वेपर प्रेशर। अब हाई वेपर प्रेशर वो फ्लूड का होता है जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जो जल्दी भाप में बदल जाते हैं, जो जनरली वेपर में जल्दी बदल जाते हैं, उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि उनका जो लिक्विड है वो जनरली जल्दी से वेपर अवस्था में आ जाता है। जैसे कि अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल फटाक से हवा में आते ही क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। इसलिए वेपर प्रेशर जो है वो पेट्रोल का क्या होगा, ज़्यादा होगा, डीजल का उससे कम होगा। इसलिए पेट्रोल में अगर आप आग लगाते हो तो जनरली आपका हाथ जल जाएगा, कोई ऐसे पेट्रोल छिड़क के अगर हाथ लगाने लगेगा तो एकदम से आग भभकती है। क्यों भभकती है, क्योंकि जैसे ही आप पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल जो है जो आपने लिक्विड में डाला उसकी वेपर उसके आसपास एक वेपर क्लाउड बना ले, जैसे आप माचिस डालते हो तो वो वेपर एकदम से जलती है, और जब वेपर जलती है तो आपके हाथ तक आग आ जाती है। इसका मतलब जो है जो पेट्रोल है उसका वेपर जल्दी बनता है, और जब जल्दी वेपर बनेगा तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो जनरली वेपर में जल्दी बदलते हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो सपोज हमारे पास एक ऐसा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब इट्स वेरी हाईली वोलेटाइल और जनरली वेपर में जल्दी बदलता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए जब यहां पर गैस का प्रेशर बढ़ेगा और यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपका ये लेवल बढ़ेगा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो इसके ऊपर की जो वेपर है वो बेसिकली यहां पर क्या होगी, कंप्रेस होगी। वो बेसिकली यहां पर क्या होगी, जो आगे की तरफ फ्लो हो रही है गैस, और ये जो इसके ऊपर जो लिक्विड की वेपर चली गई है वो बेसिकली जब ये ऐसे ऊपर की तरफ राइस हो रहेगा तो वो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, सैंडविच हो जाएगी, वो कंप्रेस होगी। और वो कंप्रेस होके क्या करेगी, ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड जितना ये लेवल राइस होना चाहिए था उतना वो होने नहीं देगी, और अगर ये होने नहीं देगी तो रीडिंग के अंदर क्या आएगी, एरर्स आएगी। तो सबसे पहला जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपने कभी सोचा कि जब भी हम थर्मामीटर यूज करते हैं तो हम मरकुरी को क्यों यूज करते हैं, हम और किसी लिक्विड को यूज कर लेते हैं मरकुरी की जगह, जबकि मरकुरी बहुत महंगा आता है। अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो 1-2 ग्राम मरकुरी बहुत महंगा पड़ता है, मतलब 40 से 50 हज़ार का पड़ेगा आपको, और वो बेंड सब्सटेंस भी है। फिर भी हम जनरली मरकुरी के लिए ऑप्शंस क्यों है, क्यों यूज कर रहे हैं मरकुरी। बेसिकली मरकुरी के साथ अच्छी प्रॉपर्टी यही होती है, उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो अगर मान लीजिए थर्मामीटर के अंदर आपने ऐसा कोई फ्लूड भरा जिसका वेपर प्रेशर हाई है या फिर वो जल्दी वेपर में बदलता है तो क्या होगा, लिक्विड तो यहाँ होगा लेकिन उसका बहुत सारा वेपर उसके ऊपर होगा। तो
जब ये लिक्विड जो है एक्सपेंड होने लगेगा तो इसके ऊपर की जो वेपर है वो क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, और जब वो कंप्रेस होगी तो ये जो लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है, ये जो कॉलम बढ़ रहा है, कॉलम की हाइट बढ़ रही है, इसको बढ़ने नहीं देगी, और जब बढ़ने नहीं देगी तो जो टेम्परेचर की रीडिंग आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। इसीलिए हम जनरली जब भी थर्मामीटर में रीडिंग यूज करें या मैनोमीटर में यूज करें तो ऐसा फ्लूइड चूज करते हैं जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और मरकुरी के अंदर खास बात यह है कि इसका वेपर प्रेशर सबसे लो होता है, काफी लो वेपर प्रेशर है एट पर्टिकुलर डेंसिटी। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डेंसिटी, सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, डेंसिटी हाई होना चाहिए, डेंसिटी हाई होना चाहिए, डेंसिटी जो है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी हाई होगी तो जो कॉलम की हाइट है वो ज्यादा राइज नहीं करेगी, अदरवाइज जो है फॉर लो प्रेशर द कॉलम हाइट विल बी लार्ज। ओके, यहां पर सरफेस टेंशन का जनरली लेना देना नहीं है, सरफेस टेंशन का तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है इमिसिबल विद द अदर फ्लूड, जिस फ्लूड का आप प्रेशर मेजर करो विद अदर फ्लूड उनसे इमिसिबल होना चाहिए। सरफेस टेंशन वाला फिनोमेना ज्यादा नहीं यहां पर डोमिनेट करता, लेकिन अगर आप मैनोमेट्रिक फ्लूड को बहुत स्मॉल ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, कितना ज्यादा कैपिलरी राइज होगा वो डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पे। तो अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होता है तो कैपिलरी राइज फिनोमेना होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर कैपिलरी राइज फिनोमेना होने के चांसेस ज्यादा है तो फिर हमको ऐसा फ्लूड लेना पड़ेगा जिसकी सरफेस टेंशन कम हो। बट माय डियर, जब भी हम मैनोमीटर्स बनाते हैं तो हम डायमीटर ऑफ द ट्यूब इतना ज्यादा लेते हैं कि कैपिलरी राइज फिनोमेना होने के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि हाइट ऑफ कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है 4σ cos θ / ρgd होता है। तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज डिपेंड करता है सरफेस टेंशन और डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो जब डायमीटर आप बहुत ज्यादा ले देते हो तो फिर सरफेस टेंशन का इफेक्ट इतना नहीं पड़ता। ओके, और जनरली हम मैनोमेट्रिक फ्लूड में यही करते हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया, यस और नो। अब मुझे इसका आंसर दे दो भाई कोई। आंसर दे दो भाई कोई, अरे बोल तो दे करो यार, तुम लोग व्हाट चैट में बोलते क्यों नहीं हो? जो भी आंसर आए यस और नो कुछ तो बोलो, कोई पॉलिटिकल डिबेट हो रही हो, किसी का गाना चल रहा हो, कोई फोकट की बातें चल रही हो तो ज्यादा कमेंट किए जाते हैं, हो ना। देखो यार यहां पर ना जब ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, सो ऑल डिपेंड ऑन द व्हाट यू रिस्पॉन्ड। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप बताओगे तो पता चलेगा, बोलना पड़ेगा। या थोड़ी ऑफलाइन क्लास चले तो तुम्हारे चेहरों से समझ में आ जाएगा सही समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुमको। ऑफलाइन क्लास में तो चेहरे देख से समझ में आ जाता है कि भाई बत्ती गुल हुई या नहीं हुई। तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ आपको बताना पड़ेगा भाई मुझे आ रहा नहीं आ रहा है, तो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए वेरी गुड, बहु 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 मस्त बहु। इसे पूछते रहे समझ में आ रहा नहीं, नहीं फटाफट बंद नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, अब जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, तो यहां प्लस इस फ्लूड में नीचे जा रहे हैं दैट इज रोजी, और कितनी हाइट नीचे जाएंगे 3h, फिर हम नीचे जाएंगे प्लस डेंसिटी इज 2g टू रो, कितना हाइट नीचे 1.5h, फिर यहां पर और नीचे जाएंगे कौन सा फ्लूड है जीरो डेंसिटी वाला, कितनी हाइट नीचे जाएंगे स्मॉल h। अब देखिए इस लाइन पर हम डायरेक्टली इधर शिफ्ट कर देंगे, और यहां से ऊपर जाएंगे साइन क्या आएगा यहां पर माइनस का, माइनस का आएगा, और ये ही वाला फ्लूड तो इस वाली लिम में भी भरा होगा, तो यहां पर जो फ्लूड भरा है उसकी डेंसिटी क्या है 3ρ, ये कितना हो जाएगा कैपिटल एच इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू क्या होगा पी एटमोस्फेयर, इससे कट जाएगा। अब देखिए यहां पर बन रहा है आपका 3ρgh, यहां पर बन रहा है आपका 3ρgh,
यहाँ पर बन रहा है आपका 3 रो GH और ये होगा 3 रो G कैपिटल H। तो यहाँ पर रोजी से रोजी 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 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 रो G 9 स्मॉल H और ये होगा 3 कैपिटल H। को अपॉन करोगे तो कैपिटल एच बाई द स्मॉल एच इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो कैपिटल एच बाई द स्मॉल एच विल बी इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस केस में क्या आ रहा है, कैपिटल एच बाय स्मॉल एच 3 आ रहा है। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2U2 मैनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए जब भी हमें बहुत हाई प्रेशर मेजर करना होता है, जब भी हमें बहुत हाई प्रेशर मेजर करना होता है तब हम 2 मैनोमीटर या 3 मैनोमीटर को सीरीज में लगा देते हैं, एज शोन इन फिगर। गुड इवनिंग अभिनव। ठीक है, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन किलो पास्कल। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक ट्यूब यहां पर है, एक ट्यूब यहां पर है। इन दिस पर्टिकुलर ट्यूब, ये जो 2 ट्यूब है यहां, इन 2 ट्यूब के बीच में जो दो यूट्यूब मैनोमीटर्स को हमने सीरीज में लगाया, तो सीरीज में लगाने का हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि वी वांट टू मेजर हायर प्रेशर। जब हम हाई प्रेशर को मेजर करते हैं तो हम 2 यूट्यूब मैनोमीटर को सीरीज में लगाते हैं। देखो कैसे, इस तरह से हमने सीरीज कनेक्शन यहां पर किया हुआ है। यहां से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो 2 यूट्यूब मैनोमीटर को आपने क्या किया बेटा, सीरीज में लगाया। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे हैं बल एग्जैक्टली क्या, डायग्राम ढंग से बना दें तो मजा आएगा थोड़ा। ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बी पेशेंट, थोड़ा सा सब्र रखिए और चीजें जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके लिए आ रही है। तो ये कहानी है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह की कहानी। तो माय डियर फ्रेंड, ये कुछ टाइप का आपका मैनोमीटर बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या होता है, यहाँ पर 2 मैनोमीटर को हमने सीरीज में लगाया हुआ। अब यहाँ जो मैनोमेट्रिक फ्लूड भरा हुआ है, इस वाले में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसका, वो कितना आ रहा है, दैट इज इतना, इस वाले में ये डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मैं इसको है ना थोड़ा कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो इस तरह से भरा हुआ है, और इधर आपका मैनोमेट्रिक फ्लूड यहां पर इस तरह से भरा हुआ है, और दोनों ही पाइपलाइन में जो फ्लूड फ्लो कर रहा था वो क्या है, वाटर है। और यहां पर जो फ्लूड है वो आपका क्या है, वाटर है। जो फ्लूड है वो आपका क्या है, वाटर है। दिखाई नहीं दे रहा क्या, वाटर दिखाई दे, तो वो है आपका वाटर, दिस इज अवर वाटर।
ओके, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों में जहां पर आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है, ये यहां पर आपका क्या है, वाटर। इसकी डेंसिटी आप लोग सब जानते हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नीचे की तरफ आपका जो रेड रेड कलर का फ्लूड दिख रहा है, वहां पर क्या है, मरकरी। इसकी डेंसिटी आप लोग सब जानते हो 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी एक्स पाइपलाइन है, ये आपकी वाई पाइपलाइन है, ठीक है। यहां पर जो आपका डिफ्लेक्शन है, दिस इज 1 पॉइंट, यहां पर आपका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है आपका, 1.75। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1.75, ठीक है, मैं इधर बना देता हूँ। चलो, ये आपका है यहाँ पर 1.75 मीटर, दिस इज 1.75 मीटर। ओके, ये जो आपका डिफ्लेक्शन है यहाँ से रेड कलर का, दूसरा इस 1.75 से, ये आपका डिफ्लेक्शन है 1.12 मीटर। ओके, यहां पर जो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज ओके, इन दोनों के बीच में, दिस एंड दिस, ये आपका डिफ्लेक्शन है, यहां पर लिख रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये आपका है 0.75 मीटर। ओके, उसके बाद जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है टोटल टोटल इस लाइन से, सेंट्रल लाइन से, ये आपका 0.8 है, 8 मीटर। एंड ये हल्का सा आपका, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 मिनट, ये टोटल है आपका 1.5 मीटर, ठीक है, दिस इज टोटल इज 1.5 मीटर, और इस टोटल में से इतना है आपका 0.8 मीटर। अब आपको यहां पर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पीएक्स माइनस पीवाई। आपको यहां पर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पीएक्स माइनस पीवाई। तो पीएक्स माइनस पीवाई में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जहां जहां ग्रीन कलर का फ्लूड है वहां पर वाटर भरा हुआ है, जहां रेड कलर का फ्लूड है वहां पर आपका मरकुरी भरा हुआ है। इनिशियल लिम में 1.75 का डिफ्लेक्शन है, फिर यहाँ पर 1.12 का डिफ्लेक्शन है, यहाँ पर 0.75 का डिफ्लेक्शन है, यहाँ पर टोटल 1.5, और इतना 0.8। अगर आपको दिख रही है वैल्यू, तो कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एनी प्रॉब्लम इन दिस, आपको वैल्यू दिख रही है। अब आपको यहाँ पर पी एक्स माइनस पी वाई को कैलकुलेट करना है, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ मैनोमेट्रिक इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम अभिनव, कोई प्रॉब्लम है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, साफ दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट, एवरीबॉडी इन द कमेंट कैन यू आंसर, क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट, इट इज विजिबल और नॉट, चलिए बेटा अब क्या करते हैं हम लोग, अब ये करेंगे कि निकालेंगे इसको, तो यहां का हम प्रेशर ले लेते, ठीक है, दिस इज पी एक्स, यहां का प्रेशर हमने लिख दिया, दिस इज पी एक्स। अब यहां से जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो साइन क्या आएगा यहां पर, प्लस का। अब जिस फ्लूड में नीचे जा रहे हैं उसकी डेंसिटी, तो यहां पर वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी 9.81, और कब तक नीचे जाएंगे, जब तक दूसरा फ्लूड ना मिल जाए। तो दूसरा फ्लूड यहां पर कब मिलेगा, 1.75 मीटर हाइट के बाद। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1.75 मीटर हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप देखिए, यहां से हम ऊपर जाएंगे, इस लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसके नीचे फ्लूड सेम है। यहां से जो ऊपर जाएंगे तो साइन क्या आएगा हमारा, माइनस का आएगा। अब किस फ्लूड में ऊपर जा रहे हैं, मरकरी में, तो उसकी डेंसिटी 9.8, और यहां पर आपका फ्लूड का जो हाइट है वो कितना ऊपर जाओगे आप, 1.12 मीटर। अब देखिए, यहां से आप डायरेक्टली यहां जंप कर सकते हो, क्योंकि यहां पर ऊपर की तरफ फ्लूड सेम है, तो जितना आप माइनस करेंगे उतना ही आपको प्लस करना पड़ेगा, तो ये इस पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। तो अब हम लोग यहां पर हैं और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम है, तो यहां से अब नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो द साइन विल बी नाउ प्लस।
अब जिस फ्लूड में नीचे जा रहे हैं उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे 9.81, एंड देन ये हाइट कितनी है 0.75, तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहाँ पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। यहां से आप इस लिम्ब में जंप करेंगे क्योंकि इस पर पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। अब यहां से ऊपर जाएंगे तो अगेन साइन क्या आएगा, माइनस का। इस फ्लूड में ऊपर जाएंगे मरकरी के अंदर क्योंकि यहाँ रेड कलर का फ्लूड है और मरकरी की डेंसिटी 13,600, ये हाइट कितनी है 0.8, तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम वापस से ऊपर जाएंगे बट अब हमारा जो फ्लूड है उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी 1,009.81। अब बात करते हैं इस डिस्टेंस की, तो ये पूरा 1.5 है, ये 0.8 है, तो ये बचा कितना होगा, ये बचा हुआ होगा 0.7, तो ये 0.7 इक्वल टू क्या होगा पी पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी एक्स माइनस पी वाई की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। तो आप इसको सॉल्व कर लेना तो यहाँ से पी एक्स माइनस पी वाई की वैल्यू आती है एंड वो आएगी 238,500.72 पास्कल। अब इसको किलो में आप लिख सकते हो, तो किलो में आप लिखोगे इसको 238.5 किलो पास्कल, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन लगने को कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये है सिंपल, कि आप देख सकते हो यहां पर आपको क्या करना है, बस लेवल लेना। तो देखने को लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स क्वाइट सिंपल, नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी नो समझ में आ रही बात? ओके, अब इस पर एक और क्लास हमारी रह गई है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। हमारे पास एक क्लास और रह गई है इसी की, मैनोमीटर्स की। सो एक मैनोमीटर की क्लास रह गई है अभी ना हमारी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे, ये वाला तो थोड़ा हमारा बेसिक लेवल था, तो उसमें हम माइक्रो मैनोमीटर्स, ठीक है, उन सब की स्टडी हम लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो थोड़ा एडवांस लेवल होगा, इससे थोड़ा हाई। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज तुम बहुत लेट आए हो, क्या बात थी भाई, बहुत लेट आए हो आज तुम। तो आज के लिए फिर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे अपना सेशन। ओके चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। बहुत सारे टाइमिंग यही है बेटा, आज देखो, आज मैं बता रहा हूँ, 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मेरे फ्रेंड की भी शादी है और थोड़ा मैं भी बिजी चल रहा हूँ। बेसिकली मैं 8:30 के आप लोग के लिए, या 8:30 है बेटा, 8:30, आज 8:30 पे क्लास स्टार्ट हो गई थी, 8:30 पे हो गई थी। वो 2-5 मिनट क्या होता है, नेट वगैरह को स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है अभी ना, बाकी 8:30 पे मैं जनरली क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। कल की टुमोरो एंड कल और परसों क्या भी ना हो मेरी छुट्टी रहेगी, क्योंकि मुझे कुछ सेमिनार देने जाना है कहीं दूसरे जगह पर, स्टेट पर। तो पॉइंट ये है कि मैं वो रिसर्च पेपर के लिए थोड़ा, उस वजह से हमारी, तो कल और परसों हमारी क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। तो उसमें आप लोग क्या करिए, रिवीजन करिए। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो मैं ना इस पर डाल दूंगा, आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उसका रिवीजन करिए। और फिर जो टाइमिंग रहेगा ना वो बिल्कुल फिक्स रहेगा 8:30। ओके, 2 दिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग इसको फिक्स कर देंगे एक टाइम को। या फिर आप सजेस्ट करिए, और इससे पहले टाइमिंग चाहिए क्या, 7 या फिर इससे पहले अगर आपको चाहिए। ओके, 7 PM या फिर 8 PM, मतलब अगर आपको जो कंफर्टेबल लगे वो बता दो। हाँ, वेडनसडे को होगा, या वेरी गुड, वेडनसडे को होगा नेक्स्ट क्लास। अब आपका वेडनसडे को होगा, तो मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि ओके, तो 8:30 सही है, तो फिर 8:30 पे हम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं सोचता हूँ रात में सब बच्चे क्या फ्री हो जाते हैं ऑलमोस्ट सारे कामों से।
तो रात में आराम से बैठ के काम कर लेंगे, ठीक है? चलिए तो फिर ठीक है, वेडनेसडे को हम नेक्स्ट क्लास लेंगे और फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक ओवर लेक्चर, आपने अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इसको। अगर आपको लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास। वी मीट एट वेडनेसडे नाउ।